खबर जयपुर से, जहां लालकोठी सब्जी मंडी में निगम की एक बड़ी कार्रवाई, 4 दर्जन से ज्यादा अवैध थड़ी ठेलों को किया जब्त। लालकोठी मंडी में अवैध थड़ी ठेले लगाने की मिली थी शिकायत, जिसके बाद निगम दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि मौके पर कई फुटकर व्यापारियों की काटे चालान। आपको बता दें कि निगम की एक बड़ी कार्रवाई जिसकी शिकायत के बाद निगम दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मौके पर कई फुटकर व्यापारियों के काटे चालान को। जयपुर से खबर बता रहे, जहां लालकोठी सब्जी मंडी ने एक निगम में बड़ी कार्रवाई की है, 4 दर्जन से ज्यादा अवैध थड़ी ठेलों को जब्त कर लिया है। जी आपको बता दें कि लालकोठी मंडी में अवैध थड़ी ठेले लगने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आपको बता दें कि 4 दर्जन से ज्यादा अवैध थड़ी ठेलों को जब्त कर लिया गया है। शिकायत मिलने के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लालकोठी सब्जी मंडी की ये खबर बता रहे हैं आपको, जिसमें शिकायत के बाद निगम दस्ते ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठेलों को जब्त कर लिया है और साथ ही कई व्यापारियों के चालान भी काटे हैं। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता दिनेश कसाना फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी दिनेश, बताएं। देखिए लोविना, लंबे समय से एक शिकायत भी थी और नगर निगम को ये लगातार शिकायत मिलती रही है, जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है और जो सब्जी के ठेले लगाए हुए हैं उनकी वजह से जाम की समस्या लालकोठी सब्जी मंडी में लगी रहती थी। जब स्वच्छता सर्वेक्षण का समय था तो नगर निगम की पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह व्यापारियों की ओर से वापस अतिक्रमण किया गया और वहां पर सब्जी के और फल फ्रूट्स के ठेले लगे हुए थे, लेकिन अब वापस से वही समस्या होने लगी थी। लेकिन अब नगर निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। आज जो जिन अतिक्रमण कर रखा है, जिन ठेलों ठेले लगाए हुए थे उनको निगम की टीम ने हटाया है, साथ ही व्यापारियों के चालान भी किए गए हैं, जिससे अब माना जा रहा है कि वापस से जाम की समस्या से निजात मिल सकेगी। देश बताए कि करीब कितने ठेलों को जब्त कर लिया गया है। देखिए लवीना, जितने भी रास्ते में जो अतिक्रमण किए हुए ठेले थे करीब 2 दर्जन, उन्हें जब्त किया है और उनके चालान भी किए गए हैं। साथ ही आगे के लिए भी निगम की ओर से हिदायत दी गई कि रास्ते में जो सड़क पर ठेले लगे हैं उन्हें ना लगाया जाए और इसके लिए आम जनता को राहत मिल सकेगी। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।